सुर में सॉरी है यार, लेकिन बढ़िया है, साइंस तो बढ़ेगा कम से कम, सोमनेस अच्छी है, बहुत बढ़िया हो। क्या आपको भी यही चीज लगती है कि सोरनेस इज इक्वल टू मसल ग्रोथ, या आपको इस चीज के ऊपर डाउट है? जो भी है कमेंट डाउन जरूर करना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ये चीज सही है कि सोरनेस मसल ग्रोथ में मदद नहीं करता है, आपका डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है या रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई भी रिलेशन है ही नहीं मसल ग्रोथ में सोरनेस में। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। सो हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सोरनेस की। सोरनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू मसल ग्रोथ और नॉट, इस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ इस बारे में भी जान लेते हैं, इस एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं कि मसल ग्रोथ होती कैसे, मसल ग्रोथ आती कहाँ से। मसल ग्रोथ होने के तीन एस्पेक्ट होते हैं जिनका नाम है मसल टेंशन, मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड मसल मैकेनिकल डैमेज, जिसी को हम लोग ये सम अप करके जानेंगे कि क्या सोरनेस एक एलिमेंट है मसल ग्रोथ का कि नहीं। तो पहले एक एक करके समझते हैं और उसके बाद इन चीज़ को कलेक्टिवली मर्ज करके एक आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो पहले बात करते हैं मस्कुलर टेंशन की। ये क्या है मस्कुलर टेंशन? सिंपली आप लेमन लैंग्वेज में समझो तो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली हम लोगों सबको पता है कि हम लोग जब तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे या प्रोग्रेशन नहीं होगा तो हम लोग ग्रो नहीं करेंगे जिम के अंदर, राइट? तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का सबसे मैं कहूँगा कि मार्केट जिस जो तरीका जानती है वैसे तरीके बहुत प्रोग्रेसिव ओवरलोड को करने के। आप जाके मेरी आई बटन पे ये वीडियो भी देख सकते हो जो जिसके अंदर मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कम से कम 6 से 7 तरीके आपको बताए हैं कि आप कैसे ओवरलोड कर सकते हो। तो वो तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में परेशानी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में सबको कैसे पता है कि कैसे किया जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं और हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, राइट? तो अब एक चीज़ क्वेश्चन ये आता है कब तक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड इस तरीके से मतलब वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के कब तक करोगे? एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आएगा जिस पे आप लोड नहीं बढ़ा सकते, इससे ज़्यादा आप लोड नहीं बढ़ा सकते, आपकी बॉडी वो लोड अडैप्ट नहीं कर पाएगी, आपको इंजरी होगी, आप टिल आपकी इंजरी बहुत सीवियर भी हो सकती है, तो इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप नहीं कर सकते। तो ये था पहला सिनेरियो जिससे मसल ग्रोथ होती है। दूसरा सिनेरियो जो है वो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस आता है हाई रेप्स मीडियम वेट के साथ, जब हम लोग हाई रेप्स हाई सेट्स मारते हैं तो ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस आता है, जिसको मैं कहूँगा कि हाँ ये स्ट्रेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है लाना, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली मज़ा तो बहुत आता है शुरुआत में, लेकिन एक टाइम के बाद पंप इतना पंप हो जाता है कि आपकी मसल फाइबर उतना ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली इसका भी एक एंड पॉइंट है, इसकी भी एक लिमिट है, तो आप इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सटेंट तक ही खींच सकते हो, उसके आगे नहीं, कि आप इनफाइनाइट तरीके से मेटाबॉलिक स्ट्रेस को डेवलप नहीं कर सकते, एक लिमिट ज़रूर है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ जिससे हम लोग मसल ग्रोथ को अचीव करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वही मेन पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सोरनेस, और इस पॉइंट का जो नाम है वो है मसल मैकेनिकल डैमेज। मसल मैकेनिकल डैमेज ही को हम लोग सोरनेस कहते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि सोरनेस आती कैसे है। देखिए सोरनेस आती है इसेंट्रिक मूवमेंट्स। अब जैसे हम डंबल कर्ल कर रहे हैं, एंड वी डू लाइक दिस, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक मूवमेंट।
कंसेंट्रिक मोशन जब हम लोग करते हैं तो हमारी मसल आप देखते होंगे कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए वो कंसेंट्रिक मोशन कहा जाता है इस मूवमेंट को। और हमारी मसल वहाँ पे शॉर्टन हो रही होती है। और जब हम लोग इलोंगेट करते हैं, जब हम लोग उस डंबल को नीचे ला रहे होते हैं, इलोंगेट कर रहे होते हैं अपनी मसल को, उसको कहते हैं इसेंट्रिक मोशन। तो जो इसेंट्रिक मोशन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे मसल फाइबर सबसे ज़्यादा टूटते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में मसल फाइबर टूटते हैं और वो बाद में रिकवरी के टाइम में वो जुड़ते हैं और बड़े बड़े साइज में हमारी मसल बनती है। ये होता है मसल ग्रोथ, जिसमें और इसकी वजह से सोरनेस आती है इसेंट्रिक मूवमेंट्स की वजह से। जिम के अंदर मैंने बहुत सारा देखा है, लोग इसेंट्रिक मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं देते आज भी। वो क्या करते हैं, वो कंसेंट्रिक तो बहुत अच्छे से करा लेकिन इसेंट्रिक में बस हाथ छोड़ दिया, फिर यूँ गिरा और यूँ छोड़ दिया, यूँ करा और फिर छोड़ दिया। तो इसेंट्रिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी मसल ग्रोथ में, क्योंकि उसी से सोरनेस आती है। हाँ, तो मैं अब ये बताना था कि मसल ग्रोथ में ये सोरनेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली रिलेटेड है। तो देखा जाए तो ये तीन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मसल ग्रोथ होती है। तो मैंने ये बताया कि ये तीन पॉइंटर हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझो, हर एक पॉइंट का, हर एक प्रोसेस का अपना एक लिमिट है। अगर आपके सोरनेस हो रही है, ये भी साइंसेस प्रूवन है, ये भी देखा गया है कि अगर आप एक मसल को जो सोर्ड है उसको फिर से, और वो सोर कब होती है, हमारी मसल सोर कब होती है, 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद ही सोरनेस सबसे ज़्यादा मसल में पाई जाती है, राइट। हम लोग को दर्द तभी होता है, एकदम से दर्द नहीं होता, जैसे करके आए तो हम लोग को एकदम से सोरनेस स्टार्ट नहीं होती है, एक रिकवरी के बाद या एक रेस्ट के बाद, एक रेस्ट पीरियड के बाद, 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद हम लोग को सोरनेस चालू होती है। तो साइंसेज में भी, स्टडी में भी ये देखा गया कि जब आप सोर्ड मसल को फिर से ट्रेन करते हो, अगर वो सोर्ड फॉर्म में है, उसको उस मसल में सोरनेस है, उसको आप ट्रेन करोगे तो आपकी रिकवरी बहुत डाउन जाएगी, आपकी रिकवरी डाउन जाएगी और आप जल्दी से जल्दी उस मसल को रिकवर नहीं कर पाओगे, जिससे आपका मसल लॉस होगा। तो यहाँ पे ये कहना तो सही भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि सोरनेस इज नॉट इक्वल टू मसल ग्रोथ, बट अब देखा जाए तो एक प्रोसेस जरूर है सोरनेस आपकी मसल ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसेंट्रिक मूवमेंट जब हम लोग करते हैं, हमारे मसल फाइबर टूटते हैं और वो मसल फाइबर जब टूटते हैं, अमीनो एसिड्स वहाँ पे डिप्लीट होते हैं, फिर हम लोग जब रेस्ट लेते हैं, प्रोटीन, जो अपना पूरा डाइट शेड्यूल न्यूट्रिशन लेते हैं, सही से रिकवरी करते हैं, स्लीप लेते हैं, उसकी वजह से जो सोरनेस कम होती है उस मसल में और हमारी मसल ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से मसल ग्रोथ सोरनेस की वजह से भी होती है। तो ये कहना कि सोरनेस मसल ग्रोथ में डायरेक्टली या मतलब इक्वल है ही नहीं, कहीं से भी उसका रिलेशन है ही नहीं, ये अटल नॉनसेंस है, ये ब्रो साइंस है, इसको हम BS कहेंगे, ये कहना गलत है, वो है। लेकिन हाँ, हर एक प्रोसेस का, जैसे मैंने बताया, हर एक प्रोसेस का आप एक लिमिट रखोगे। अगर पहला प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलिफ्टिंग कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, देन आपको वहाँ पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी। आप आओगे मेटाबॉलिक स्ट्रेस पे, मेटाबॉलिक स्ट्रेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें भी आपको कोई ना कोई एक पॉइंट पे आने के बाद लिमिट आएगी, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, आप उसको इनफाइनाइट लाइफ टाइम नहीं कर सकते उस चीज़ को, प्रोसेस को। और फिर वैसे ही सोरनेस का है, उसको भी आप लाइफ टाइम या अचीव पूरे समय ये नहीं कह सकते कि आप मेरे सोरनेस हो रही है तो तब भी मैं लगाऊंगा एक्सरसाइज, उसकी वजह से आपका मसल लॉस होगा। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ से आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कर दो कि सोरनेस से तो कुछ भी नहीं होता, सोरनेस से मसल ग्रोथ होती ही नहीं है। नहीं होती है, लेकिन उसका एक एक्सटेंट है, सोरनेस अच्छी भी है और सोरनेस नहीं भी अच्छी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो अब आज से प्लीज़ आप लोग ये दिमाग से हटा देना कि सोरनेस से तो मसल ग्रोथ होती नहीं है, फ़ायदा नहीं है सोरनेस, मतलब सोरनेस हो रही है, हाँ मैं ये कहता हूँ कि सोरनेस हो रही है या नहीं हो रही है उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मसल ग्रोथ में फ़र्क ज़रूर आता है एक लिमिट तक। फुली आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस, वो भी जाने कि किस तरीके से हमारी मसल ग्रोथ होती है और इसको अप्लाई करें।
सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, वहाँ हेयर इज माई हैंडल, वहाँ पर भी मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ, जो कि आपको अच्छी खासी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देता रहेगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।